हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। और टैली प्राइम के अंदर हम जबकि बात करते हैं परचेस की, तो यहाँ पर F9 प्रेस करके हम पहले आ जाते हैं कहाँ, परचेस वाउचर में। तो ये हमारा परचेस वाउचर है और इसके अंदर हमें क्या करना है, TDS डिडक्ट करना है। तो TDS डिडक्ट करने से पहले शर्त ये है कि आप TDS को एक्टिवेट करिए। तो यहाँ से एस्केप बटन प्रेस करके पहले बाहर आते हैं, F11 प्रेस करते हैं TDS को चालू करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, देखिए TDS जो है डिडक्ट होता है और TCS जो है कलेक्ट होता है। तो TCS जब आप काटेंगे तो वो सेल्स वाउचर में काटेंगे और TDS आप परचेज में कर सकते हैं या जनरल वाउचर में, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के इसको यस करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आता है और यहाँ पर आपका टैक्स कलेक्शन एंड डिडक्शन अकाउंट नंबर आएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये दे देंगे और ये इनवैलिड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये हो गया। इसमें बताएगा, अगर इनवैलिड करेंगे आप तो बताएगा कि 4 अल्फाबेट 5 न्यूमेरिक होने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4 अल्फाबेट 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट कर दीजिए, हो गया। बस अब ये सही हो गया। यहाँ पे कंपनी रखते हुए ब्रांच या डिविजन का नाम दे दीजिए, एंटर करिए। रेस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल आएगी, जैसे मिस्टर श्याम कर देते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जो कि TDS काटेंगे। बाकी सन ऑफ डॉटर ऑफ जो भी हो ये लिख लीजिएगा और यहाँ पर इनका पैन नंबर जरूर दे दीजिएगा और इनवैलिड पैन नहीं चलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। पैन नंबर जब भी दीजिएगा तो यहाँ पर बिल्कुल सही पैन नंबर आपको डालना है, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, आप एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा, इसको भी एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तब हम चलेंगे परचेस वाउचर में और यहाँ पर सप्लायर द्वारा दिए गए बिल को यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक अल्ट सी करके बना लेते हैं, सप्लायर SUPPLIER सप्लायर पार्टी PARTY ये कर देते हैं, एंटर करते हैं और इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर, संडे क्रेडिटर रख दिया। और यहाँ पे इस TDS डिडक्टेबल तो यस रहेगा और यहाँ पर आपको डिडक्टी टाइप चूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिडक्टी टाइप क्या है इनका, तो हम जो है गुड्स पे कर रहे हैं तो ये मैं कर देता हूँ एक तरह से, चलिए पार्टनरशिप फॉर्म कर देते हैं इसको। और यहाँ पे इसी वाउचर में TDS डिडक्ट होगा और बाकी यहाँ पर इनके पैन नंबर की डिटेल आएगी। तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पे पैन नंबर दे दीजिएगा, इनवैलिड मत दीजिएगा, देखिए इसको इनवैलिड नहीं देना है। तो यहाँ पे इनवैलिड बिल्कुल मत दीजिएगा और ये हो गया। इस तरीके से करके इसको यस करना है, एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लेना, एंटर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा इस तरीके से। और यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट, कोई भी एंट्री करने से पहले यहाँ पर सेट ऑब्लिक अल्टर स्टेटरी डिटेल को यस कर लेना होगा आपको यहाँ से जाकर के। और यहाँ पर जब हम आते हैं ना तो यहाँ पर इसको TDS को डिफाइन भी करना होगा, तो यहाँ पे एप्लीकेबल कर दीजिएगा और नेचर ऑफ गुड्स में यहाँ पे TDS इस तरीके से करके ये बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरी जो आप यहाँ पर TDS का लेजर जब बनाएंगे, जैसे कि मैंने बनाया है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा, ये तो मैंने दिखाई दिया है आपको, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब जबकि हम एंट्री पास करने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर, वो डेट जिस डेट पर होगी परचेजिंग, और ये सप्लायर पार्टी का लेजर आ गया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराएंगे। फिर यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो परचेज अकाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पे लैपटॉप की बात करेंगे तो यहाँ पे लैपटॉप मान लीजिए कि 500 लैपटॉप हम परचेज कर रहे हैं और एक की खरीद रेट 30,000 यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे दिया तो इसके हिसाब से ये आ गया, ठीक है। आप एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे TDS का लेजर आएगा। तो जैसे ही TDS का लेजर हम इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 15 लाख रुपए माइनस करके TDS यहाँ पे डिडक्ट हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे इसमें TDS डिडक्ट कर लिया गया है 15 लाख रुपए माइनस करके। अब आप इसको एंटर एंटर करके इसको चाहे तो ईवे बिल आप रख सकते हैं, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं इसको, और एंटर करके इसको यहाँ पर एंटर करिएगा और यहाँ पर एंटर करते हुए इसको बिल एडजस्टमेंट करवा लीजिएगा। नीचे आप पर नरेशन भी डाल सकते हैं। तो ये वो एंट्री है जो कि परचेज में बहुत ही आसानी के साथ TDS भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। TCS के पीछे कहानी ये होती है कि TCS 5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर होता है तो उस पर TCS अलाउ किया जाता है। कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, ये सब
अगले वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही सच चैनल जिसका कि नाम है कंप्यूटर एंड एक्टिव सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सूरज सर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।